आप फार्मेसी कर रहे हो, अच्छी बात है, बट उसके साथ साथ में है कुछ अपने अदर इंटरेस्ट को और अदर स्किल्स को भी डेवलप कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि फार्मास्यूटिकल एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। अब इतनी बड़ी इंडस्ट्री में बहुत तरह के अलग अलग प्रोफेशनल्स की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको लगता है कि आप कंटेंट अच्छा लिख सकते हो तो आपको एक कंटेंट क्रिएटर बन सकते हो। आप आपके पास इतनी बड़ी इंडस्ट्री, इतना इन्फॉर्मेशन है, अगर आप चाहो तो उसको किसी तरीके से आप लोगों के सामने ला सकते हो, फार्मेसी स्टूडेंट के लिए ला सकते हो, लोगों की अवेयरनेस के लिए ला सकते हो। आजकल इतने सारे टूल्स हैं कि अगर आप चाहो तो अपने किसी भी स्किल को बहुत अच्छे से पॉलिश कर सकते हो। इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, करने के लिए बहुत कुछ है। अगर आप इसमें किसी भी तरह से इन्वॉल्व होते हैं तो आपको बहुत सारी अलग अलग अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं। धीरे धीरे कंपनीज़ को बहुत अलग अलग तरह के डिजिटल मार्केटिंग की ज़रूरत फ्यूचर में पड़ेगी। तो अगर आप किसी भी तरीके से गूगल पे गूगल कैसे वर्क करता है, वेबसाइट्स कैसे वर्क करती हैं, SEOs क्या होते हैं, किस तरह से हम कंटेंट को ऑल ओवर वर्ल्ड पहुंचा सकते हैं, क्योंकि कुछ कंटेंट ऐसे हैं जो ग्लोबली एक्सेप्टेबल हैं, उसके ऑडियंस ग्लोबली अवेलेबल हैं, तो आप उसको कैसे कर सकते हो। तो पूरा ये जो जितनी भी अलग अलग चीज़ें हैं, अगर आप चाहो तो किसी भी एक इंडस्ट्री में उसको इंक्लूड करके आप बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हो। तो मेरा कहना बस इतना आपसे है कि आप स्टडीज़ करो, बहुत अच्छे से करो, और उसके साथ साथ में अगर आपके अंदर कुछ क्रिएटिविटी है, कुछ और भी स्किल्स आप डेवलप कर सकते हो तो उसको भी करो, क्योंकि आगे जाके जब कभी आपको कुछ अपना बिजनेस करना है या फिर कुछ और अलग तरीके का आप काम करना चाहोगे तो आपको वो सारी स्किल्स आपको काम आएगी कि हाँ, आप कुछ इस तरह से कुछ और भी मार्केट में बना के उसको लोगों के सामने रख सकते हो और अपना एक अच्छा बिजनेस बना सकते हो, ठीक है। और क्या होता है कि कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आपको पता होती हैं तो जब आप जॉब में जाते हैं तो भी, क्योंकि आपको जॉब रोल के अलावा कुछ आपको और चीज़ें पता हैं, तो कभी कभी आपके जॉब के लिए ना वो बहुत ही अच्छा हो जाता है, क्योंकि आपको सोशल मीडिया मैनेजमेंट आता है, आपको SEOs आता है, आपको वेबसाइट हैंडलिंग आती है, आपको पता है ये सारी चीज़ें कैसे काम करते हैं, आपको कंटेंट क्रिएशन आता है, आपको राइटिंग आती है, आपको वीडियो एडिटिंग आती है, आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, आपको पता है कि ChatGPT को यूज़ करके अच्छे आर्टिकल्स कैसे लिखे जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जितनी आपको पता रहेंगी उतने आपको फ़ायदा मिलेगा। तो केवल इसका मतलब नहीं कि आप फार्मेसी कर रहे हो तो बस आपको मेडिसिन के बारे में जानना है, डोज फॉर्म के बारे में जानना है, केवल गाइडलाइंस के बारे में जानना है, ये सारी चीज़ें तो जानना ही जानना है, बट आपकी कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है तो आपको दूसरे पार्ट में क्रिएटिविटी, टेक, इन सब चीज़ों के बारे में भी अपने आप को और अच्छा बनाना चाहिए। क्योंकि जितना आप अपने आप को एक कंप्लीट पैकेज बनाएंगे उतना फ्यूचर में आपको इवॉल्व करना, आपको ग्रो करना आपके लिए उतना आसान होगा, और आपको उसमें अच्छा भी लगेगा कि आप अपनी पर्सनैलिटी को एक वर्सेटाइल तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। Thank you very much.